हेलो गैस आप सभी का स्वागत है हमारा क्लेपर सर्किट खत्म हो चुका है और अब हम जेना डायोड रेगुलेटर सर्किट को स्टडी करेंगे बट उससे पहले जेना डायोड के कुछ बेसिक्स के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है क्योंकि रेगुलेटर सर्किट में हम जेना डायोड यूज़ करने वाले हैं तो जेना डायोड के बेसिक्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी होगा आज हम पढ़ेंगे जेना डायोड नॉर्मल डायोड से कैसे डिफरेंट है और जेना डायोड को कैसे हम सर्किट में यूज़ करते हैं उसके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो अगर हम देखें कोई भी डायउट पीएन जंक्शन से बना होता है और उसमें डोपिंग होती है डोपिंग को हम दो तरीके से आइडेंटिफाई अदिन, कर सकते हैं वन लाइटली डोप्ड और सेकेंड इज हाईली डोप्ड तो बेसिकली जो अब तक हमारा uh, जो हमने अभी तक क्लीपर सर्कमेंट डायोड किया है वो हमारा लाइटली डोप्ड होता है डेट मीन्स जो नॉर्मल डायोड होता है वो हमारा लाइटली डोप्ड होता है ये नॉर्मल डायोड है और ये जेना डायोड है ये एक बेसिक डिफरेंस uh, है नॉर्मल डायोड में और जेना डायोड में जो नॉर्मल डायोड की डोपिंग कंसंट्रेशन होती है वो आई थिंक वन रेस टू वन रेसू टू बा और जो हाईली डॉप्ड होता है जेना डायोड उसकी कंसनट्रेशन होती है कुछ इतने वैसे ई का पढ़े इतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं बट थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट uh, है जो डोपिंग से रिलेटेड है तो मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ अब अगर हम देखें अगर मैं नॉर्मल डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ जो कुछ इस तरह होता है ठीक है ये वी और ये वी गामा डोपिंग का जो मैंने अभी आपको कंसर्ट बताया ये एक रीज़न से बताया था वो हम क्या करते हैं जो हमारा वी बी डी होता है दैट मीन्स रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग होता है दैट मीन्स जितनी ज़्यादा डोपिंग उतना कम वी बी डी की वैल्यू और जितनी कम डोपिंग उतनी ज्यादा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जैसा कि हमें बताया जो नॉर्मल डायोड है वो लाइटली डोप्ड होता है तो इसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगी वो ज्यादा होगी तो ये जो नॉर्मल डायोडस की ब्रेकडाउन वोल्टेज की जो रेंज होती है वो फिफ्टी टू हंड्रेड वोल्ट होती है ठीक है दैट मीन्स अगर किसी नॉर्मल डायोड को रिवर्स बायस में हम फिफ्टी टू हंड्रेड वोल्ट तक का कोई वोल्टेज दें तभी वो रिवर्स बायस में कंडक्ट करेगा वरना वो कंडक्ट नहीं करेगा वो रिवर्स बायस में विदाउट ब्रेकडाउन मोड में रहेगा जो कि ये वाला मोड है ये रिवर्स बायस मोड तो है बट विदाउट ब्रेकडाउन है और ये इसका फॉरवर्ड बायस मोड है और ये वाला जो मोड है ना ये जहां से ये करंट फ्लोर है ये ब्रेकडाउन रीजन विद रिवर्स बायस रीजन विद ब्रेकडाउन ठीक है तो जैसे डोपिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है ये डोपिंग जिसकी जितनी ज्यादा होगी

मैंने ग्राफ में भी शो कर दिया बट वैसे ये पता भी होना चाहिए और आपको पता भी लग रहा है यहाँ से कि डोपिंग जो जीरो डाइट की वो हाई डोपिंग होती है हाई डोपिंग के वजह से जो इसकी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है वो कम होती है तो रिवर्स ब्रेकडाउन इसकी वोल्टेज कम होती है टू टू फाइव वोल्ट ठीक है ये मेरे जीरो डाइव की करेक्टरिस्टिक्स हैं ये नॉर्मल ड्राइवट की करेक्टरिस्टिक्स हैं अब अगर हम देखें जेनर ड्राउट की जो रिवर्स बेस्ट वोल्टेज है वो इतनी कम होने की वजह से जेनर एंड आउट रिवर्स बायस रीजन में फॉर रिवर्स बायस रीजन में कंडक्ट कर जाता है रिवर्स बायस रीजन में हम इसको जेना डायट को यूज कर कर सकते हैं अगर हम जेना डायोड को नॉर्मल टू टू फाइव वोल्ट की रेंज में कोई भी वोल्टेज दें तो ये रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन हो जाएगा और कंडक्ट करेगा वहीं पर अगर नॉर्मल डायोड की बात करें जिसकी रिवर्स बायस वोल्टेज फिफ्टी टू हंड्रेड है जो कि बहुत ज़्यादा होती है बहुत ज़्यादा इन द सेंस ऑफ हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम छोटी वोल्टेजेस में डील करते हैं और नॉर्मल वोल्टेजेस होती हैं फिफ्टी टू हंड्रेड वोल्ट में हम कभी नहीं जाएंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर ये पावर डायोड की बात होती तो फिफ्टी टू हंड्रेड वोल्ट वहाँ पर बहुत ईजी होता है लेकिन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी हाई वोल्टेज में हम वर्क ही नहीं करते हैं इसलिए नॉर्मल डायोड को रिवर्स बायस में कंडक्ट कराना बहुत डिफिकल्ट टास्क है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इसलिए यही रीजन है जब नॉर्मल डायोड को रिवर्स बायस में हम कंडक्ट कराते हैं ना मतलब रिवर्स बायस में कभी भी नॉर्मल डायोड को लेते हैं तो उसको हम ओपन सर्किट ट्रीट करते हैं ओपन सर्किट क्यों ट्रीट करते हैं क्योंकि रिवर्स uh, बायस में नॉर्मल डायोड कंडक्ट कर ही नहीं पाएगा वहीं अगर हम जीना डायोड को देखें तो इसकी वी वैल्यू जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो इतनी कम है कि अगर इसमें थोड़ा टू टू फाइव वोल्ट की भी वोल्टेज रिवर्स बायस में देंगे तो ये कंडक्ट कर जाएगा यही रीज़न है जो इसको नॉर्मल डायोड से एक डिफरेंट डायोड बनाता है यहीं पर अगर हम देखें तो नॉर्मल डायोड को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं पहला तरीका क्या होगा uh, ये फॉरवर्ड बायस में यूज़ हो सकता है फॉरवर्ड बायस में यूज़ होगा तो हम इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं वहीं दूसरा क्या है ये रिवर्स बायस में यूज हो सकता है बट रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट से रिप्लेस होता है और ध्यान रखना रिवर्स बायस में हम इसको विदाउट ब्रेक डाउन यूज करेंगे विदाउट ब्रेकडाउन यूज कर क्यों यूज करेंगे क्योंकि ब्रेकडाउन तो कर ही नहीं सकते ना नॉर्मल डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज इतनी हाई है फिफ्टी टू हंड्रेड वोट में देना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है अलग अलग में इसलिए हम जो नॉर्मल डायोड है उसको रिवर्स बायस में विदाउट ब्रेकडाउन रीजन में यूज करते हैं वहीं यार अगर हम जेना डाउट की बात करें तो जेना डायउ फॉरवर्ड बायस में तो काम करेगा डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता है शॉर्ट सर्किट आइडियल डायोड की बात कर रहा हूं मैं और दूसरा केस होगा इसका रिवर्स बायस विदाउट ब्रेकडाउन तीसरा जो एक स्पेशल केस है वो होगा इसका रिवर्स बायस इसका मोड है इसी की वजह से ये एक स्पेशल डायोड है नॉर्मल डायोड से थोड़ा सा डिफरेंट है थोड़ा सा डिफरेंट से मेरा मतलब है ये हम रिवर्स बायस में इस डायोड को यूज कर सकते हैं रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट कर सकता है इसलिए हम जेनर डायोड को Uh, उस जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने डायोड को रिवर्स बायस में कंडक्ट कराना हो क्योंकि नॉर्मल डायोड रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करेगा बट जेना डायोड रिवर्स बायस में कंडक्ट करा कर जाएगा तो जेना डायोड तीन मोड में काम करते हैं और नॉर्मल डायोड दो मोड में काम करता है ये रहा जेना डायोड और नॉर्मल डायोड में एक नॉर्मल सा डिफरेंस इतना आपको समझ आ गया होगा कि जेना डायोड को कहाँ पर हमें यूज़ करना है जेना डाट कॉम है वहाँ पर यूज़ करना है जहाँ पर हमें डायोड को रिवर्स बायस में कंडक्ट कराना हो ठीक है अब अगर मैं नॉर्मल देखूँ यहाँ पर नॉर्मल डायोड को मैंने आपको क्लिपर सर्किट पढ़ाने से पहले जब डायोड के बेसिक्स बताए थे तो ऐसा कुछ बताया था कि मेरा नॉर्मल डायोड है जिसका कट इन वोल्टेज भी गामा सेट 0.2 वोल्ट और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस से 0.5 पॉइंट ओम ऐसा कुछ पैरामीटर है हमारे एक डायोड का अगर इस डायोड को फॉरवर्ड बायस में मेरे को एक्स के इक्वलेंट सर्किट से रिप्लेस करना हो तो उसका भी मैंने तरीका आपको बताया था इक्वलेंट सर्किट से रिप्लेस कैसे करेंगे इसका जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो आएगा देन इसका कट इन वोल्टेज प्लस माइनस ये आर एफ की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट फाइव ओम और कट इन वोल्टेज की वैल्यू जीरो पॉइंट टू वोल्ट ध्यान देने वाली बात ये है जो मैं बताने जा रहा हूँ अब ये क्या है देखो <clears throat> जेनर डायोड की बात कर लेते हैं जेनर डायोड ये रहा? ऐसा कुछ होता है जेनर डाउड का सिंबल इसकी जो पैरामीटर uh, है वी गामा हम ले लेते हैं जीरो पॉइंट थ्री वोल्ट

जेना डायट मुझे यूज ही इसलिए करना है क्योंकि मैं उसको रिवर्स बायस में यूज़ कर सकूँ रिवर्स बायस में नॉर्मल डायट को यूज़ नहीं कर सकता तो क्या इसके फॉरवर्ड बायस uh, वाले uh, जो पैरामीटर्स हैं उनको स्टडी करना uh, सही होगा नहीं होगा क्यों अगर स्टडी करना भी है तो जो फॉरवर्ड फॉर्वर्ड बाटेंस जो फॉरवर्ड बायस पैरामीटर्स है ना वो वैसे ही ड्रॉ होंगे अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ तो वैसे ही ड्रॉ होंगे जैसे मेरे नॉर्मल डायोड क्यों क्योंकि फॉरवर्ड बायस में दोनों डायोड इस रीज़न में जो फॉरवर्ड बायस रीज़न है ये वाला इस रीज़न में दोनों डायोड सेम वर्क करते हैं जो डिफरेंस है वो रिवर्स रीजन में रिवर्स रीजन में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रिवर्स रीजन में यहाँ पे वी बी डी लिखूंगा वी बी डी मतलब voltage, वो होगी टू वोल्ट और यहाँ पर रिवर्स रेजिस्टेंस लिखूंगा आर आर जो मैं ले लेता हूँ जीरो पॉइंट एट ओम नो थ्री ओम लेता हूँ ठीक है ये रिवर्स पैरामीटर्स की वैल्यू है अब मैं देखूँ अगर मैं इस डायोड को रिवर्स इसका इक्वलेंट सर्किट बनाता हूं, अगर ये रिवर्स बायस में कंडक्ट कर जाता है इक्वलेंट सर्किट क्या होगा इसका इसका रेजिस्टेंस और इसकी वोल्टेज ये थ्री ओम ये टू वोल्ट ठीक है अब ध्यान से देखो इस वाले सर्किट में जो इसका इक्वलेंट इक्वलेंट डायग्राम है इस वाले सर्किट का जब नॉर्मल डायोड

प्लस आता अगर ये फॉरवर्ड बायस होता तो लेकिन जेना डायोड हम रिवर्स बायस में यूज़ कर रहे हैं और इस जब रिवर्स पैरामीटर है इसलिए पी टर्मिनल पर हमारा नेगेटिव आएगा एंड टर्मिनल पर हमारा पॉजिटिव आएगा जब हम इसको इसकी वी बी डी वैल्यू से रिप्लेस करेंगे इसके इक्वेलेंट सर्किट में ये इसका इक्वलेंट सर्किट है ठीक है तो ध्यान देने वाली बात सिर्फ पोलैरिटी की है रिवर्स बायस में हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए पोलैरिटी चेंज हो जाएगी अब अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस में यूज़ करूँ तो सेम ये ऐसा ही पैरामीटर बनेंगे और वो यहाँ पर जो वैल्यू है वो जेनाडायट की वैल्यू से चेंज हो जाएगी ठीक है तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये पोलैरिटी ऐसी क्यों है ये इंपॉर्टेंट है ये तो मैं बता ही चुका था आपको क्लिपर सर्किट से पहले जेनो डायट बेसिक्स में जो मैंने आपको बताया था और एक ये डायोड को इसलिए यूज करते जेना डायोड को क्योंकि वो इस रीजन में भी काम करते हैं ठीक है तो ये रही कंपेरिजन की बात कैसे जेना डायोड नॉर्मल डायोड से अलग है और जेना डायोड को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ठीक है तो चलो इसको एक बार नोट कर लीजिए अब देखते हैं जेनर डायोड की कुछ एप्लीकेशन एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ डायोड को हम एक क्लिपर सर्किट में यूज़ कर लेते हैं तो ये पता लग जेनर डायोड के ऑपरेशन कैसे हैं करने अभी तक क्लिपर सर्किट हमने विद रेफरेंस वोल्टेज के साथ पढ़ा था विदाउट रेफरेंस वोल्टेज वोल्टेज के साथ पढ़ा था और नॉर्मल डायोड के साथ पढ़ा था अब मैं क्लिपर सर्किट में जेनर डायोड इंट्रोड्यूस कर देता हूं और हम हमें बेसिक्स तो पता लगे डायोड के जेनर डायोड कंडक्ट कैसे करता है रिवर्स बायस कैसे होता है फॉरवर्ड बायस कैसे होता है सब पता लग गया अब देखते हैं हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने सर्किट को सॉल्व करने के लिए तो सर्किट टॉपिक का नाम क्या है क्लिपर सर्किट यूजिंग जेनर डायोड ठीक है ये मेरा रेजिस्टेंस यहां पर मैंने जेनर डायोड बना दिया और ये मेरा आउटपुट ये इनपुट एक चीज मैं बता देता हूं जो मेरा वीबीडी होता है ना जेनर डायोड का उसको हम जेना वोल्टेज बोलते हैं और बी जेड से डिनोट करते हैं और मैं जो आर आर होता है रिवर्स रेजिस्टेंस उसको आर जेड से डिनोट करते हैं तो कन्फ्यूज मत हो ना थ्रू आउट द कोर्स मैं यही यूज़ करूँगा बी जेड मतलब जेना वोल्टेज दैट मीन्स रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज आर जेड मतलब जेना रेजिस्टेंस दैट मीन्स रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस अब अगर यहाँ पर देखें मैं इसको इनपुट दूंगा फाइव साइन ओमेगा टी यहां पर जो डायोडस के पैरामीटर नोट कर लेते हैं जो जेड है उसकी वैल्यू टू वोल्ट है और जेड मैं जीरो ले रहा हूं ठीक है ये रेस कर देता हूं ये ध्यान रखना वी जेड और जेड क्या है अगर मैंने इसको इनपुट फाइव साइन ओमेगा का दिया है तो वो कुछ इस तरीके से होगा ये फाइव वोल्ट ये माइनस फाइव वोल्ट फाइव माइनस फाइव ये टू वोल्ट ठीक है ये मेरा आउटपुट वोल्टेज की वेब फॉर्म बना रहा हूं ये इनपुट वोल्टेज है फाइव ओमेगा ठीक है ये इनपुट मैंने अपने क्लिपर सर्किट को दिया अब इस इनपुट को देखें अगर हम दो रीजन में स्टडी कर सकते हैं इस इनपुट को दो रीजन में स्टडी सक, कर सकते हैं जीरो से पाई के मोड में पाई से टू पाई के मोड में जीरो से पाई के मोड में भी हम जीरो से पाई के साइकिल में भी हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें जीरो से टू वोल्ट जो है वो ये वाला रीजन है और टू टू फाइव वोल्ट के लिए रीजन ये वाला है तो केस वन अगर हम स्टडी करें केस वन जहां पर इनपुट जीरो से बड़ा है और पाई से छोटा है दैट मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल पूरी ठीक है इस केस में अगर हमारा इनपुट इफ वी इन जीरो से बड़ा है और टू से छोटा है दैट मीन्स जो मैंने ब्लैक शेड किया है ये वाला पोर्शन ये ब्लैक शेड वाला शेडेड पोर्शन है ना ये जीरो से बड़ा है और टू से छोटा है तो मैं इसी रीज़न के लिए अपने डायग्राम अपने जो सर्किट है उसको स्टडी करता हूँ मेरा इनपुट ये डायोड का एन टर्मिनल है ये पी टर्मिनल है इनपुट मेरा कनेक्टेड है एन से ठीक है अब अगर हम यहाँ पर देखें जीरो से के टू वोल्ट के बीच में जो मेरा इनपुट है वो एन से कनेक्टेड है अगर मैंने जेन एन डाइल्ट को ब्रेक डाउन करना है डैट मीन्स जेन डायोड को रिवर्स बायस में ब्रेक डाउन रीजन में लेके जाना है तो मेरे को एन को ना पॉजिटिव टू वोल्ट से ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी बट हम किस रीज़न की बात कर रहे हैं जीरो से टू वोल्ट की बात कर रहे हैं तो क्या जीरो से टू वोल्ट वाले रीजन में Uh, इसको टू वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज में दे सकता हूँ एन टर्मिनल को एन टर्मिनल को हमेशा जीरो से टू वोल्ट के बीच की वैल्यू मिलेगी टू वोल्ट से ज़्यादा नहीं मिलेगी इसका मतलब इस रीज़न में हमारा जो जेना डायोड है वो ब्रेकडाउन नहीं होगा बट रिवर्स बायस तो होगा क्योंकि एन के पास हायर हायर वोल्टेज है पी के पास लोअर वोल्टेज है रिवर्स बायस होगा बट ब्रेकडाउन नहीं होगा इसका मतलब जो हमारा ये वाला सर्किट है इसमें जेना डायोड जो होगा इसमें जेना डायोड जो होगा वो रिवर्स बायस होगा बट विदाउट ब्रेक डाउन और अगर मैं इस सर्किट को रिप्लेस करूँ इस सर्किट को मैं रिप्लेस करता हूं ओपन सर्किट से क्योंकि हमारा रिवर्स बायस में जेनर डायोड विदाउट ब्रेकडाउन रीजन में ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा वी आउटपुट प्लस माइनस वी इनपुट ये मेरा आर है अब देखो यहाँ पर ये मेरा ओपन सर्किट हो गया यहाँ पर मेरा जीरो वोल्ट ड्रॉप होगा क्यों ज़ीरो करंट रहा है क्योंकि ओपन सर्किट है तो जो जीरो से टू वाला जो है, 0 -2 वाली जो, uh, मेरी है अगर मैं इतना पार्ट इनपुट को देता हूँ तो मेरा जो आउटपुट होगा वो इनपुट को फॉलो करेगा तो जो आउटपुट वेट फॉर्म है वो इनपुट के ऊपर बना देता हूँ ये मेरी आउटपुट वेट फॉर्म है ये सॉलिड लाइन मेरी आउटपुट है और डॉटेड लाइन मेरा इनपुट है सॉलिड लाइन मैंने जीरो से टू के बीच में इनपुट के ऊपर बना दिया है ठीक है अब हम बात करते हैं जब हमारा इनपुट इफ इनपुट जो है वो टू वर्ल्ड से तो बड़ा हो बट फाइव वर्ल्ड से छोटा हो अगर मैं देखूँ टू वर्ल्ड से फाइव वर्ल्ड वाले रीज़न में मेरा जो इनपुट का पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन से कनेक्टेड है पॉजिटिव वैल्यू एन से कनेक्टेड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इनपुट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इनपुट एन से कनेक्टेड है और उसका वैल्यू कौन सी है मतलब और उसका रीजन रेंज क्या है टू टू फाइव वोल्ट अब डेफिनेटली एन को टू वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट की टू वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज मिल रही है और इसका जो जेना डायोड है इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज कितनी है टू वोल्ट जेना वोल्टेज है टू वोल्ट दैट मीन्स ब्रेक डाउन वोट है टू वोल्ट जेना वोल्टेज ब्रेक डाउन वोल्टेज दोनों सेम होती हैं जेना डायोड की ब्रेक डाउन वोल्टेज टू वोल्ट है और इसको टू वोल्ट से ज़्यादा की वैल्यू मिल रही है एन टर्मिनल पे दैट मीन्स ये ब्रेकडाउन होगा

ब्रेकडाउन हो जाएगा तो इस कैकुल सर्किट क्या होगा अगर ये मेरा जेनर डायोड है ये मेरा जेनर डायोड है जिसका वी जेड टू वोल्ट है आर जेड ज़ीरो है तो आर जेड और ये आर जेड ज़ीरो है और ये मेरा माइनस प्लस टू वोल्ट है ऐसे मैं रिप्लेस करूंगा आर जेड ज़ीरो है तो आर जेड नहीं आएगा ये ऐसा कुछ हो जाएगा दैट मीनस एक वोल्टेज सोर्स से मेरा जेनाडाइड रिप्लेस हो जाएगा रिप्लेस करके सर्किट बनाते हैं अगर मैं इसको ऐसा कुछ बनाऊं, ये आउटपुट प्लस माइनस वी इनपुट प्लस माइनस आर प्लस माइनस टू वोल्ट देखो जो पोलैरिटी है ना एन के पास मेरा पॉजिटिव होगा पी के पास नेगेटिव होगा जेना डायोड में अपोजिट होता है जब भी रिवर्स बैस में काम करें तो इसलिए मैंने एन के पास ये पी है ये एन है एन पी के पास नेगेटिव होगा एन के पास पॉजिटिव होगा नेगेटिव पॉजिटिव पी के पास पॉजिटिव एन के पास एन के पास पॉजिटिव पी के पास नेगेटिव तो मेरा आउटपुट क्या होगा इस रेंज में आउटपुट मेरा होगा टू वोल्ट साफ साफ दिख रहा है आउटपुट जो है ये आउटपुट जो है

यहाँ पर अब नेगेटिव वैल्यू ऑफ इनपुट कनेक्टेड है एन से नेगेटिव वैल्यू ऑफ इनपुट कनेक्टेड है एन से इसका मतलब क्या हो जो डायोड है उसके पास एन के पास लोअर वैल्यू है और पी के पास हायर वैल्यू है अगर मैंने नेगेटिव वैल्यू इनपुट की एन से कनेक्टेड है तो जो डायोड है ना डायोड ये फॉरवर्ड बायस होगा फॉरवर्ड बायस होगा कंडक्ट कर जाएगा कंडक्ट कर जाएगा तो डायोड को हम किससे रिप्लेस करते हैं शॉर्ट सर्किट से कट इन वोल्टेज नहीं दी हुई थी हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देता हूँ मैं डायोड को क्योंकि डायोड ना कंडक्ट कर गया इस रीज़न में क्यों क्योंकि एन के पास नेगेटिव वैल्यू आ गई पी के पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई वी इनपुट प्लस माइनस वी आउटपुट प्लस माइनस इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया अब अगर मैं देखूँ किसी भी वोल्टेज ड्रॉप के पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट है तो वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो वी आउट की वैल्यू जीरो हो गई इस रीज़न में देखो टू टू फाइव वाले रीजन में देखू टू टू फाइव वाले रीजन में, में मेरा क्या हुआ था ये जो टू टू फाइव वाला रीजन है इसमें रिवर्स बायस होता है विदाउट ब्रेक डाउन और मेरी आउटपुट वोल्टेज आ रही थी टू वोल्ट तो टू टू फाइव की रीजन में मेरी आउटपुट वोल्टेज टू वोल्ट, 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 वोल्ट होगी ये टू वोल्ट लगी 2 to 5 की लाइन है टू टू फाइव के रीजन में और टू टू जीरो के रीजन में इनपुट आउटपुट को फॉलो करेगा ये ठीक है इतना हमारा हो गया अब अगर पाई से टू पाई के रीजन में देखें से टू पाई के रीजन में मेरा आउटपुट कितना आ रहा है जीरो पाए से टू पाए के रीजन में मेरा आउटपुट ज़ीरो आ रहा है ना तो मैं इसको जीरो से कौन साइड करूँगा ये ये मेरी आउटपुट वेफ फॉर्म है तो इतना समझ आया कि जब हमारा नॉर्मल जेनर डायोड होगा तो वो रिवर्स बायस में वर्क करेगा और रिवर्स बायस में जो उसके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा हूँ उससे उसका सर्किट रिप्लेस हो जाएगा अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज मैं करूँ अगर मैं इस डायोड की कट इन वोल्टेज भी लिख दूँ वी गामा जो कि मैं लिख दूँ ज़ीरो वोल्ट ठीक है वी गामा जीरो पॉइंट टू वोल्ट है अब अगर देखें तो वी गामा तब तक यूज नहीं होगा जब तक जो जेना डायोड है फॉरवर्ड बायस नहीं होगा क्योंकि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वी गामा वी गामा कट इन वोल्टेज है वी गामा कट इन वोल्टेज है ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी तो तब तक यूज नहीं होगी जब तक डायोड फॉरवर्ड बायस नहीं होगा क्या डायोड फॉरवर्ड फर, बायस कहां पर हुआ है हमारा यहाँ पर रिवर्स बायस है रिवर्स बायस है यहां पर इस फर्स्ट केस में रिवर्स बायस है ये सेकेंड केस में भी रिवर्स बायस है फॉरवर्ड बायस सिर्फ कौन से केस में इस वाले केस में जहां पर पाई टू टू पाई है तो इसी केस में हम यूज करेंगे वीगामो को वीगामो का कैसे यूज करेंगे अगर मेरे पास जेना डायोड है यहां पर यहां पर देखो ये मेरे पास जेना डायोड है एक ये मेरे पास जेना डायोड है इसकी कट इन वोल्टेज कितनी है जीरो पॉइंट टू वोल्ट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस मैंने जीरो लिया हुआ है तो इसको मैं रिप्लेस कैसे के के पास positive, N के पास negative. R मेरा zero है, तो यहाँ पर मैं आर को नहीं लिखूंगा तो मेरा ये वोल्टेज सोर्स रिप्लेस हो जाएगा जिसकी वैल्यू जीरो पॉइंट टू वोल्ट होगी एन के पास अब positive आएगा, आएगा. क्यों? क्योंकि डायोड जो है फॉरवर्ड बायस है तो ऐसे ही इस केस में अगर मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस है तो मैं इसको एक इसकी इन वोल्टेज से रिप्लेस करूंगा पोलैरिटी क्या होगी ये वाली प्लस जीरो पॉइंट टू वोल्ट डायोड ऐसे था ठीक है ये पी ये एम पी के पास पॉजिटिव एन के पास नेगेटिव पी के पास पॉजिटिव एन के पास नेगेटिव तो मेरा आउटपुट वोल्टेज कितना हो गया अब मेरा ज़ीरो नहीं होगा आउटपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा वही वो वोल्टेज जो ये वाली वोल्टेज है यही मेरा आउटपुट वोल्टेज होगा यही वोल्टेज मेरी आउटपुट वोल्टेज होगी इसकी वैल्यू क्या है माइनस जीरो पॉइंट टू कौन से रीज़न में पाए से टू पाए के रीज़न में तो यहाँ पर पाए से टू पाए के रीजन में ये जीरो पॉइंट टू है यहाँ पर ये यह ऐसे कंडक्ट करेगा ठीक है ये जो जीरो पॉइंट टू से जीरो के बीच की जो लाइन है ना जीरो पॉइंट टू से जीरो पॉइंट टू बीच की जो लाइन है ये हमारी क्या होगी ये हमारी इस ये वाली लाइन होगी जब हमारा डायोड ओपन सर्किट होगा क्यों जीरो पॉइंट टू से जीरो के बीच जो हमारा डायोड है वो रिवर्स बायस विदाउट ब्रेकडाउन रीजन में होगा तो इनपुट आउटपुट को फॉलो करेगा जैसे इस वाले केस में कर रहे हैं इनपुट आउटपुट को फॉलो कर रहे हैं गया ये रहा इस केस में जैसे इनपुट आउटपुट को फॉलो कर रहे हैं तो जीरो से जो टू के बीच की लाइन होगी उसमें इनपुट आउटपुट को फॉलो करेगा और यहां पर जो ये लाइन है ना ये ये मेरे आउटपुट की लाइन इनपुट लाइन को कंसाइड ये दोनों तरफ जीरो पॉइंट टू के बाद जीरो पॉइंट टू के बाद हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा जब डायवर्ट फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो आउटपुट हो जाएगा जीरो पॉइंट टू होल्ड तो मैंने जीरो पॉइंट टू दिया तो दोनों के हमने डिस्कस कर लिए। जेनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में करके डिस्कस कर लिया जेनर डायोड को रिवर्स बायस में करके डिस्कस कर लिया तो ये मेरा क्लेपर सर्किट यूजिंग जेनर जेना हो गया इसमें थोड़े से कॉम्बिनेशन आते हैं जेनर डायोड की इन वोल्टेज और जेनर वोल्टेज दोनों दी होती है कोई कभी कभी जेनर डायट दो जेनर डायउट बैक टू बैक लगे होते हैं कभी कभी दो जेनर डायउट पहला लगे होते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसी कंसेप्ट को मिल मिला के बनते हैं बेसिकली जो अगर आपने बेसिक सीख लिया इसके बाद अगर क्वेश्चन ट्राई करोगे तो इजीली हो जाएंगे ध्यान में क्या रखना है सारे बेसिक बेसिक कंसेप्ट पोलैरिटी डाइट की जेनर डायउट की पोलैरिटी और नॉर्मल डाइट की जब हम इक्वलेंट सर्किट बनाते हैं तो उसकी पोलैरिटी कट इन वोल्टेज की पोलैरिटी जेनर वोल्टेज और कटिंग वोल्टेज की पोलैरिटी में क्या डिफरेंस है और बस और डायोड कब फॉरवर्ड बायस हो रहा है कब रिवर्स बायस है छोटे छोटे बातों का ध्यान रखना है सारे न्यूमेरिकल इसी कन्सेप्ट से आपके सॉल्व हो जाएंगे तो बेसिकली आज हम जेनर डायोड को सारे बेसिक कंसेप्ट कर चुके हैं नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे जेनर डायोड रेगुलेटर सर्किट उसके लिए जितना भी हमें जेनर डायोड के बारे में पता होना चाहिए था इस क्लास में हमने सब पता कर लिया अब इससे ज़्यादा जेनर डायोड के बारे में नहीं पढ़ना है आगे जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे उसके लिए जितना जाना ज़रूरी है अब तक हम कर चुके हैं तो आप ये रिवाइज करिए चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं टेक केयर